अपनी सेवा भावना के चलते पूरे ईसीएल समेत आसपास में नाम से प्रसिद्ध चताक्षी महिला मंडल पांडवेश्वर शाखा की ओर से जरूरतमंद 20 परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण के साथ दो दिव्यांग लोगों को ट्राई साइकिल भी दिया गया। इस अवसर पर अध्यक्षा श्रीमती संयुक्ता नायक ने कहा कि ईसीएल की अध्यक्षा पुष्पिता पंडा और उपाध्यक्षा प्रीति सिंह के मार्ग दर्शन में अपनी सेवा भावना के माध्यम से सभी जरूरतमंद परिवारों को मदद करने के साथ स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी शताक्षी महिला मंडल की ओर से कार्य किया जाता है। पर्व त्योहारों में जरूरतमंद परिवारों के चेहरे पर खुशी लाने समेत अन्य प्रकार की सेवा शताक्षी महिला मंडल की ओर से किया जाता है। खाद्य सामग्री और ट्राई साइकिल पाकर महिलाओं और पुरुषों ने खुशी जताते हुए कहा कि हम लोगों को देखने वाली शताक्षी महिला मंडल हर समय मदद करने के साथ सहयोग भी करती है और समय समय पर जरूरत की सामग्री देकर सेवा करती है। इस अवसर पर शताक्षी महिला मंडल की कंचन मित्रा, सुप्रिया प्रसाद, अर्चना मुरारी, विथी कोले आदि उपस्थित थी। खबर पांडवेश्वर की रिपोर्ट। शताक्षी महिला मंडल हमेशा की तरह इस बार भी 20 जरूरतमंद महिलाओं को आज कुछ खाने पीने का सामान वितरण की है। ये सारा कार्यक्रम हम अपनी अध्यक्ष श्रीमती पुष्पिता पंडा भाभी जी एवं उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति सिंह भाभी जी के मार्गदर्शन में करते हैं। इसके वजह से हम लोगों ने इन लोगों को उतना देते हैं कि जैसे कि ये लोगों हमारे संस्था को खुशी से बहुत प्रेस भी करते हैं। तो कितने लोगों को आज दिया गया मैम? आज हम लोगों ने 20 महिलाओं को दिए गए और सभी महिलाएं यहीं आसपास की गांव की हैं और वो लोग अपना पॉवर्टी लाइन के नीचे में रहने वाले हैं। तो आपका नाम मैम? मैं शताक्षी महिला मंडल पांडवेश्वर शाखा की अध्यक्ष श्रीमती संयुक्ता नायक। टू व्हीलर मतलब पांडवेश्वर एसएनजी होंडा। चलिए अपने सपनों के राह में न्यू होंडा टू व्हीलर के साथ में आइए और न्यू होंडा टू व्हीलर के साथ अपना राइड एंजॉय कीजिए और पाइए 4,500 रुपए तक की छूट कोई भी बाइक या स्कूटर के ऊपर। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आपको मिलता है सहज बचत, लो डाउन पेमेंट और कोई भी कंपनी का बाइक एक्सचेंज का सुविधा। तो और देर न करे, आ जाइए पांडवेश्वर एसएनजी होंडा, पांडवेश्वर एरिया मोड, गीता लॉज बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के ऑपोजिट पे, अथवा संपर्क करें स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर।